हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश की तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी यानी TOD के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी महीने इसके ऐलान की तैयारी है। तय किया गया है कि TOD के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यह बाद में तय होगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा जो सैनिकों को काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। दोस्तों, जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें भी करीब 20-25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिक भर्ती का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की भी योजना है। आगे चलकर लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे, तब उनकी उम्र 21, 22 या 25 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकें इसके लिए 4 साल की सर्विस के दौरान इन्हें प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। TOD के तहत भर्ती सैनिकों को सेना से बाहर होने पर ना तो पेंशन मिलेगी ना ही BCHS जैसी हेल्थ स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। 4 साल की सर्विस के बाद जब ये बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त करीब 10-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत होती है तो परिवार को 40-50 लाख रुपए बीमे की राशि मिलेगी और बची हुई सर्विस के लिए भी परिवार वालों को वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।